पर मासी ये तो काम ही उल्टा हो गया, और वो लोग रिश्ता तोड़ने के बजाय रिश्ता जोड़ने पहुंच गए हैं। कैसी आग लगाई है तूने? मासी शरबते ने आज तक कोई काम भी कच्चा नहीं किया, ऐसी आग लगाई थी कि सारे पांच दरिया मिलकर भी ना बुझा नहीं सकते थे। मगर काका वो लड़का बड़ा काया है, बाल की खाल निकालता है। आ तो क्या उसने तेरी बातों पे यकीन नहीं किया मासी? ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया है। पहले तो मैं भी समझती थी कि उसे मेरी बातों पे पक्का यकीन हो गया है, और फिर कभी भी वो उस लड़की के घर अपना रिश्ता भेजने का ख्याल भी दिल में नहीं लाएगा। फिर घंटे बाद ही उसकी कॉल मेरे फोन पर आ गई। दो चार दफा तो मैंने टाल मटोल की, उठाए नहीं उसका नंबर। फिर ये सोचा कि वो यही ना समझ ले कि ये तो सारा खेल ही झूठ का है, बस उठा लिया उसका नंबर। मासी फिर क्या हुआ? होना क्या था, लगा वकीलों की तरह उल्टे सीधे सवाल करने, पूरी जिरा शुरू कर दी कि तू कौन है, उस लड़की के मुतल्लक ये सारी बातें कैसे जानती है। बड़ा टाला मैंने कि लड़की वालों से मेरी दुश्मनी ना करवाए, मगर अड़ गया कि एक बार तुझसे जरूर मिलना चाहता हूं। बार बार मुझे यकीन दिलाता रहा कि किसी पर तुम्हारी शनाख्त जाहिर नहीं होने दूंगा। आ ओ बेड़ा ही गरक मासी, तू कहीं उसे मिलने तो नहीं चली गई? लो चलनी समझ रखा है मासी को, पहुंच गई। मगर मेरी टाल मटोल से वो शक में जरूर पड़ गया, कहने लगा अपने तौर से सब बातों की तस्दीक करवाऊंगा, और ये भी कहा अगर एक बार ये सारी बातें तुम खुद आकर दोहराओगी तो मैं रिश्ता उस लड़की के घर दोबारा नहीं भेजूंगा। ये तो बड़ा पक्का निकला है, मैं तो समझा था कि आराम से काम हो जाएगा। लगता है उसने मासी की कई भी बातों को ना घर में बयान नहीं किया अपने, वरना औरतें तो बड़ी जल्दबाज और शकी होती हैं ऐसे मामलात में, क्यों मासी? हाँ राजा, अब क्या करना है आगे? उसके बारे में कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अच्छा मासी, बड़ा शुक्रिया तेरा, अब हम चलते हैं। ठहर काका ठहर, ये पकड़ अपने पैसे भी। जब मासी शरबते ने काम ही नहीं किया तो ये पैसे हराम है मुझ पर। और नहीं मासी नहीं, ये पैसे अब तेरे ही हैं। वैसे भी राजा दीवी मजदूरी वापस नहीं लेता, पर तूने तो अपना काम कर दिया था ना, वो तो तीर निशाने पे नहीं लगा। तू तो फिक्र ना कर, अभी राजा की कमान में बड़े तीर बाकी हैं। तू राजा पुत्र, मासी शरबते की भी दुआ है कि रब तुम्हारी दिली मुराद जरूर पूरी करेगा। आ आमीन आमीन मासी आमीन। बड़ी मेहरबानी मासी, ले फिर चलते हम। ले फिर मासी, रब राखा रब राखा।
भाई साहब जरा बात सुनिए। जी जनाब। ये अमजद साहब सुपरिटेंडेंट जो हैं वो यहीं बैठते हैं? जी जनाब, ये उन्हीं के नाम की तख्ती लगी हुई है, ये उन्हीं का ही दफ्तर है, आप जा सकते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट, वो तख्ती तो मैंने देख ली है, असल में मैं जा रहा था कि अंदर के किसी बंदे से मालूमात हासिल करूँ। दफ्तरी मामलात का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, सोचता हूँ कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। ये मैं आपका मतलब नहीं समझा, कि ज़रा खुल कर बात करें। मेरी फाइल फंसी हुई है अमजद साहब के दफ्तर में, तो मैं जब भी पेशे पर आता हूँ कोई ना कोई एतराज़ लगा कर वापस कर देते, कहीं कोई नज़र न्याज की उम्मीद तो नहीं लगा के बैठे साहब? मैंने सुना है कि इनके ऑफिस में पैसों के बगैर फाइल आगे चलती नहीं। ये लगता है जनाब आप ज़िंदगी में कचहरी पहली मरतबा आए हैं, वरना ऐसी बात आप हर किसी ना करते। मैंने कोई गलत बात की? ये सारा दफ्तर जानता है कि सुपरिटेंडेंट अमजद अली एक खरा और सच्चा आदमी है। ये रिश्वत तोहफे तोहफे ये बेबुनियाद बातें उसने कभी पसंद नहीं की है आज तक। अगर आपका काम सीधा है तो आप बेफिक्र होकर अंदर जाएं, आपकी सुनवाई होगी, और अगर आपका काम कोई गलत है तो उल्टे पांव आप वापस चले जाएं, वरना बहुत रसवाई होगी जनाब। ये आप गलत भाई है, मेरी बात सुनो। मैंने सुना है कि साहब को बहुत सी बुरी लतें लगी हुई हैं। अभी सुना है कि पिछले हफ्ते हवालात से छूट कर आए हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, पिछले हफ्ते तो डीसी साहब के दौरे के इंतजाम देखने के लिए मैं खुद उनके साथ था। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये आपको गलत बताया किसी ने? ये आप मेरी जान छोड़े जनाब, जा सकते हैं आप अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले साहब, जी फरमाइए। इजाज़त है तो मैं यहाँ बैठ चुकी। आप? अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठे आबेद आप बैठे प्लीज़। माफ़ी चाहता हूँ, वो काम में ज़रा चाय लेकर आओ भाई, ध्यान ज़रा काम में था। आप यहाँ इस वक्त सब खैरियत तो है? एक ही सांस में इतने सवालात कर लिए तुम? माफ़ी चाहता हूँ, ओह दरअसल आपको यूँ अचानक देखकर घबरा सा गया, जाने क्या क्या कह गया। असल में मैं यहाँ किसी काम के लिए आया था, तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूँ। बहुत अच्छा किया आपने, ज़िंदगी के मामलात में हैरत और अचानक तहरीर का अमल दिल को लुभाता है, क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, सरप्राइज। माशाल्लाह भाई, तुम्हारी उर्दू तो अदब के तालिब इल्म से ज़्यादा अच्छी है। लगता है अब तुमने इस मज़मून में काफ़ी मेहनत की। मेहनत से ज़्यादा शौक और लगन का अमल दखल है इसमें। वो क्या है कि उर्दू से ज़्यादा खूबसूरत और मीठी ज़ुबान मुझे और कोई नहीं लगती। बस इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि उर्दू ज़ुबान में ही मैं आला तालीम लूँगा। बस दुआ करें कि इस डिग्री की लाज जा सके। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो उर्दू से अपनी मोहब्बत को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हो। वो तुम्हारे वालिद साहब बता रहे थे कि तुम इस साल मुकाबले के इम्तहान में बैठ रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। कि दफ्तरी मसरूफियात में से पढ़ाई का टाइम कैसे निकाल लेते हो? दिन में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन रात का एक पहर मैंने मखसूस इस काम के लिए रखा हुआ। कोशिश पूरी करता हूँ कि रोज़ की पढ़ाई का मामूल टूटे ना। बस
धानी, अरे ओ धानी, अल्लाह पता नहीं सारे घर का काम वैसे का वैसा पड़ा हुआ है और ये लड़की उसे जरा भी फिक्र नहीं है। जरूर छत पे पतंगे उड़ा रही होगी, जाके खबर लेती हूँ इसकी। मगर या अल्लाह खैर, ये भुजाल आज इस कदर पुरसुकून क्यों बैठा है? धानी, धानी, धानी। जी बीजी। क्या बात है बेटा, ये छत पर अकेली तन्हा बैठी हो? खैरियत तो है ना, आज कॉलेज भी नहीं गई? हाँ वो मेरा मन नहीं था बाहर जाने का। क्यों बेटा, क्या बात है, हैं? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी कुछ नहीं हुआ। आपसे क्या बोलूं, सही दुश्मनी निभाई है आपने अपनी धानी से। मेरे बच्चे, तुम्हारी बीजी कभी तुम्हारी दुश्मन हो सकती है? ये कैसी बातें कर रही हो, नाराज हो मुझसे? क्या जरूरत थी बीजी उनको बढ़ावा देने की? अब देखिएगा उनका रोज आना जाना होगा। और अब्बा, अब्बा तो उनके सामने बिछे जा रहे थे। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा, ये तो एक ना एक दिन होने ही था, किसी ने तो आना था, है? ये कोई अनहोनी बात है क्या? क्यों आना था किसी ना किसी ने कभी? मुझे नहीं करनी इस खानदान में शादी, अजीब चिपकू लोग हैं। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद मुंह उठा के आ गए। क्या सुनने के बावजूद, कैसी बातें कर रही हो बेटा? आपको याद नहीं है पहली मर्तबा जब वो देर से आए थे तो अब्बा ने कितनी सुनाई थी उन्हें जुम्मन बुआ के जरिए, लेकिन उन पे किसी बात का असर ही नहीं होता। बेटा, खानदानी लोगों की यही निशानी होती है। वैसे शको शुबा तो मेरे दिल में भी डाल ही दिया है किसी ने, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बा गए हैं आज, अच्छी तरह छानबीन करेंगे, देख लेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अले 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 मिलो बच्चा। धानी, सच्ची बात तो ये है कि इस फोन की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। लड़की की जिंदगी का मामला है, हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ता है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, आपने बहुत अच्छा किया कि बगैर किसी पर्दे के बराह रास्त मुझसे ये बात कर ली। आप अपने तौर पर इत्मीनान कर लीजिए, लेकिन आपको ये जानकर हैरत ज़रूर होगी कि चंद रोज़ कबल कुछ ऐसा ही फ़ोन मुझे भी आया था। क्या अरे, ऐसा फ़ोन तुम्हें भी आया था? जी। क्या क्या बात हुई थी? ख़ास नहीं, बस ऊन पटांग बातें आपकी साहबजादी के बारे में, जैसे फ़ोन करने वाला ये चाहता ना हो कि हम दो ख़ानदानों में किसी किस्म का कोई रिश्ता बने। मगर उस रोज़ तुम्हारे घर वालों ने ऐसे किसी फ़ोन का जिक्र नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मैंने इस फ़ोन के बारे में उन्हें नहीं बताया, क्योंकि जब मैंने उस औरत के मुतालिक पूछा तो उसने बताने से इनकार कर दिया। मुझे लगा कि हो ना हो ये कुछ मामला गड़बड़ है। हमारी तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है, ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता? वो जो कोई भी है वो जाहिर है कि ये नहीं चाहती कि या चाहता कि हम दोनों खानदानों में रिश्ता बने।
इसलिए उसने दोनों तरफ एक ही फंदा फेंका है। मेरी मासूम बेटी ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये तो इल्जाम तराशी है, बोहतान है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, यकीन कीजिए कि मुझे अपने घर वालों की पसंद पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि मेरे वालदैन ने एक आला बेहतरीन पसंद मेरे लिए मुंतखब की होगी, लिहाजा आप हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाए। बाकी आप अपने तौर पर जो चाहें कर सकते हैं, जो भी मेरे पर तोहमतें लगाई गई हैं आप तसल्ली करें, मुझे या मेरे घर वालों को कोई जल्दी नहीं। नहीं नहीं अमजद बेटा, शर्मिंदा मत करो, मैं यहाँ आया तो अपने दिल की तसल्ली के लिए था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि अल्लाह जो करता है भले के लिए करता है। ये सब कुछ ना होता तो हमारे दरमियान बहुत सी बातें अधूरी रह जाती। इस साजिश की वजह से हम एक दूसरे के करीब आ गए। मार चौका इंडिया को, मार चौका। ये आ गया तू हरामखोर, बीमारी तो पुत्र बहाना से आई, उस्ताद के पैसे जाया करने थे तूने। वो क्या बात कर रहा है साथ, डॉक्टर कह रहा था मौत के मुंह से बाहर लौटा हूँ, सख्त ठंड लगेगी थी। ओ मेरा बच्चा, मौत के मुंह से बाहर आया? अगर मुंह में मौत के चला ही गया था तो वापस आने की क्या जरूरत थी, आगे की टिकट करा लेता पुत्र। उड़ा लो मजाक, तू भी उड़ा ले मजाक उस्ताद, तेरे काम गया था सुल्तानी बाजार। कौन सा काम गया? वो याद आया, एक बात याद आई उस्ताद, जिस दिन मैं तेज बारी में बाजार नहीं गया था मांझे के लिए शीशा और रंग लेने, और मैंने दानी और शानी बहन को कार से उतर के मोहल्ले में जाते देखा था। क्या बकवास कर रहा है रंगीले, वो भला किसी के साथ क्यों जाएंगी, उनका तो अपना रिक्शा जो उनको लेके जाता है लेके आता है। वो कसम ले लो उस्ताद, वो मैंने अपनी नाकों से देखा था, वो हो सकता है कि उनको सवारी शवारी ना मिली हो इतनी तेज बारिश में, किसी दोस्तों ने लिफ्ट ले ली हो काले से वापसी पर। तूने देखा था और कौन कौन था गाड़ी? ये तो मैंने नहीं देखा उस्ताद, लेकिन एक बात है, बंदा एक ही था, इतनी तेज बारिश में मैं उसको पहचान नहीं सका। गाड़ी पहचान लेगा? हाँ उस्ताद, दोबारा अगर गाड़ी मेरे सामने आई ना तो मैं पहचान लूँगा, लेकिन एक बात है, पूरे मोहल्ले में ऐसी शानदार गाड़ी किसी के पास नहीं है। नंबर नहीं नोट कर सकता था रामखोर? अच्छा सुन, अभी बात किसी से ना करी, खुद पूछूंगा जाके मैं उन दोनों से कि किसके साथ आई थी, भला किसी से लिफ्ट लेने की जरूरत ही क्या थी। चल जा जाके काम कर। ठीक है उस्ताद, लेकिन उस्ताद एक दानी बहन के सामने मेरा नाम ना ली, और जूती लेकर दुकान पे आ गई ना, और ये मेरा सिर गंजा कर देगी वो, और बड़ी गुस्से वाली है वो, मेरे उसके सामने मेरा नाम ना ली तू बस। जल्द दफा हो जा। ठीक है उस्ताद। कौन हो सकता है जिसके साथ ये तुम आई थी? बेगम साहिबा जी, मिसेस रियासत आई हैं। भाई उन्हें यहाँ लेके आए ना, वो कोई गैर थोड़ी है। ओ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आई एम प्लीज। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक हो? बैठे ना भाई, उसका कसूर नहीं था, मैंने तो उसे खुद ही कहा था कि अंदर ला कर दो। इसका मतलब है कि आप अभी भी अपने आप को गैर समझती हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस बहुत दिन हो गए थे, सोचा आज मुलाकात हो ही जाए। बहुत अच्छा किया आपने भाई, आपका अपना घर है। आंटी अभी हम माया का ही आर्टिकल पढ़ रहे थे, बहुत कवरेज दी है मैगजीन वालों ने माया के फ्रांस वाले एग्जीबिशन को। मैंने भी देखा है वो आर्टिकल, बस आजकल तो वो बिजनेस में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है, और डिज़ाइनिंग का तो उसे होश ही नहीं है।
अच्छा है, देखें ना दोनों कुछ अरसे इकट्ठे काम करेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी. आफ्टर ऑल सब कुछ उन्होंने ही तो संभालना है. यू आर राइट, मगर ये प्रोजेक्ट तो 2 साल चलेगा. मैं डरती हूँ कहीं इन दोनों के बीच में कोई अनबन ना हो जाए. दोनों ही अपने अपने मिजाज के हैं. तो हमने कौन सा प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का इंतजार करना है? मेरे ख्याल से अब हमें डेट फिक्स कर लेनी चाहिए. मैं आज ही रेहान से बात करती हूँ. नेक काम में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए. हाँ, ये हुई ना मेरे दिल की बात. धानी, धानी, कहाँ है धानी? कब से आवाजें दे रहा हूँ? राजा भैया, ऊपर कोई नहीं है. कहाँ है धानी फिर? वो कब की सोने चली गई. आपकी तबीयत नहीं ठीक थी ना? क्यों, क्या हुआ उसकी तबीयत को? पता नहीं, कुछ चिड़चिड़ी और बेजार सी थी. पीजी ने दवाई देकर जबरदस्ती कमरे में भेजा है उसे. अच्छा ठीक है, तुम जाओ. बात सोच आनी, इधर आओ जरा. वो जिस दिन तुम लोग घर देर से पहुंचे थे, बारिश वाले दिन, उस दिन तुम लोगों को मोहल्ले के बाहर कौन छोड़ने आया था? वो उस दिन कोई भी नहीं, हम खुद ही आए थे अकेले. झूठ मत बोलो. मुझे खुद किसी ने बताया है कि तुम लोग नए मॉडल की गाड़ी में मोहल्ले के बाहर उतरी थी. सच सच बताओ, कौन था उस गाड़ी में? ओफो राजा भैया, एक तो तुम्हारी जासूसी की आदत नहीं गई ना, और ये चारों तरफ तुम्हारे जासूस फिरते ना कारिंदों की तरह, इनकी वजह से तो कभी कोई बात नहीं छुप सकती. इसका मतलब है कि तुम लोग किसी की गाड़ी में आए थे. हाँ ना भाई, उस दिन बारिश इतनी तेज थी, कोई सवारी ही नहीं रुक रही थी, सारी सड़कें सुनसान थी. इतने में हमारी क्लास वालों का ड्राइवर आया, तो उसने हमें ऑफर कर दी कि बैठ जाओ, कहाँ ख्वार होती फिरोगी. बस उसे छोड़ते ही 2 लम्हे को उसका ड्राइवर हमें उतारने आया था. आपको और बीजी को उसने नहीं बोला कि हजारों सवालों के जवाब देने पड़ते हैं. बस इतनी सी बात थी, अब मैं जाऊँ. जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैंने अपनी पूरी तसल्ली कर ली है. ये जरूर किसी दुश्मन की साजिश थी, जिसने बयक वक्त दोनों घरानों को एक दूसरे से बदजन करने की कोशिश की है. खुदा गारत करे जिस किसी ने भी ये हरकत की है. मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी के पीछे कौन पड़ गया है जाने. बहरहाल एक बात अच्छी हुई है कि सारी बात खुलकर सामने आ गई. मैंने अमजद के सामने ये खदशा जाहिर तो नहीं किया, लेकिन लगता है कि उसी के खानदान में कोई है जिसे ये रिश्ता गवारा नहीं, या फिर हो सकता है वो खुद अमजद के रिश्ते के तलबगार हो. जाहिर है इतना अच्छा रिश्ता, उसके खानदान में बहुत से तलबगार होंगे इस रिश्ते के. क्या कहा जा सकता है वीर जी, मेरी तो बस एक ही दुआ है अपने अल्लाह से कि अल्लाह मेरी धानी के नसीब बहुत अच्छे करे. रिश्ता चाहे जहां भी हो. अबा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लगती हैं. सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है वीर जी, ऐसी कोई बात नहीं. बस पता नहीं, मुझे लगता है कि धानी इस रिश्ते से खुश नहीं है वीर जी. आज कॉलेज भी नहीं गई और सारा दिन उदास बैठी रही. जाहिर सी बात है अब, किसी भी लड़की के लिए यूं अचानक एकदम से अपने घर को छोड़ जाने का ख्याल तकलीफ दे. आपने उसे बताया नहीं कि
उसकी तालीम मुकम्मल होने तक हम उसे रुखसत नहीं करेंगे। मुझे सब जानती है वीर जी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो खुश दिखाई नहीं देती। तो आप उसे बताएं ना आपा कि ना सिर्फ लड़का बहुत अच्छा है, उसका पूरा खानदान ही बहुत अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी किसी ऐसे घर ब्याह कर जाए जहां रिश्तों और कदरों का ख्याल रखा जाता हो, इज्जत दी जाती हो, और मुझे यकीन है कि वो लोग थानी को बहुत इज्जत देंगे, बहुत खुश रखेंगे अपा। हाँ वीर जी, ये तो है। कहीं उसे टेलीफोन की भिनक तो नहीं मिल गई? नहीं नहीं वीर जी, आप कैसी बात करते हैं, हम मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ। मैं जितनी भी परेशान रही, लेकिन मैंने अपनी बच्चियों को जरा भी शक नहीं होने दिया इस बात का। बस ये धानी की बात पक्की हो जाए, फिर राजा का भी कुछ सोचते हैं आपा। अब कब तक यूं आवारा फिरता रहेगा वो? उसके सर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद उसे आटे दाल का भाव मालूम होगा। आप बुआ से कहें ना उसके लिए भी कोई घर देखे। जी जी वीर जी। ये वही छोटा रंगीला होगा, कमबख्त दूर से नजर भी नहीं आता, वही मंडलाता रहता है इधर से उधर दुकान के काम से। पता नहीं किसने बताया, मगर मेरी तो जान ही निकल गई थी जब राजा भैया ने पूछा। और हाँ, बीजी कह रही थी कि अब्बा गए थे अमजद अली की तरफ, काफी छान पटक करके आए हैं, खासे मुतमईन हुए लौटे हैं। मुतमईन होके तो उनको आना ही था, इसे एक नंबर का मिसना लगता है मुझे अमजद अली। आप भी? अब होगा क्या, ये मामला तो खत्म होने के बजाय रोज बरोज और पकड़ते जा रहा है। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, इतनी बार समीर को फोन मिलाया लेकिन उससे बात नहीं हो पाई मेरी। आप भी? मैं तो कहती हूँ समीर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, चाहे तो मैं जितना भी पसंद करता हो, लेकिन उसके घर वाले कभी भी अपने ही जदी पुश्ती नौकर के यहाँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर कभी नहीं आएंगे। तुम कभी अच्छी बात ना करना स्थानी कहेगी। अच्छा जाओ बाहर जाके जरा ध्यान दो, मैं फिर से समीर को फोन मिलाती हूँ, उससे मिलना मेरा बहुत जरूरी है। जाओ बाहर जाके देखो। चलो चलो शानी जल्दी, देर हो जाएगी। अरे तुम लोग इतने खराब मौसम में कहाँ जा रहे हो, और वैसे भी तुम लोगों के रिक्शे वाला नहीं आया। हम कोई सवारी ढूंढ के चले जाएंगे, आज रोल नंबर स्लिप मिली है, हमारा जाना बहुत जरूरी है। चलो। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को छोड़ आता हूँ और वापसी भी लेने भी आ जाऊंगा, किसी और से लिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या इस मौसम में पहले हम कॉलेज नहीं गए और आज कोई खास वजह है मेहरबान होने की? मैंने कह दिया ना, और वैसे भी अगर मामू को पता चला कि तुम लोग इतने खराब मौसम में बिना सवारी के गए हो तो वो कितना नाराज होंगे। तुम यही रुको, मैं अभी सवारी का बंदोबस्त करके आऊँ तुम्हारे लिए। भाई अब तो कुछ नहीं कर सकते। Amir is late again. आज बहुत important presentation है। मैम समीर साहब तो अभी तक नहीं आए, मैंने उनके सेल पे भी ट्राई की लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। प्लीज कीप चेकिंग। श्योर मैम।
Don't be late again today, Samir. सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी. राजा हमारे साथ था. मैं ब्रेक में मिलूंगी 11:30 बजे पार्क के सामने वाली सड़क पर. मेरा इंतजार करना.